हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड नॉलेज विथ रुपेश। पर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है और इनके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों ने पिछले की वीडियो नहीं देखे है तो प्लेलिस्ट में है, जाकर अवश्य देख लें। पिछले की वीडियो में बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसा कि हमने पहले बताया है कि यह प्रोग्रामों के लिए एक और नाम है। प्रोग्राम वे निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि आप डेटा को जिस रूप में चाहते हैं उसके लिए उस पर किस प्रकार से प्रक्रिया की जाना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम शब्द आपस में बदल जाने वाले योग्य होते हैं। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में उस प्रकार से सोच सकते हैं जिस तरह से आप उसका उपयोग करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में उस तरह से सोचें जिस तरह कंप्यूटर उपयोग करता है। पहला सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उपयोगकर्ता मुख्य रूप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ सूचना का आदान प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर से परिचित कराता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इकलौता प्रोग्राम नहीं होता है, बल्कि यह कई बातों सहित प्रोग्रामों का एक संग्रह होता है। अब इसको इंग्लिश में भी जान लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ए सॉफ्टवेयर इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम्स टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर इज द कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट द कंप्यूटर। इससे इसको जो निर्देश मिलता है इसे कंप्यूटर ऑपरेट होता है। एक्सक्यूट पार्टिकुलर फंक्शंस सॉफ्टवेयर इज या टास्क एंड मैनिपुलेट द डाटा फॉर सॉफ्टवेयर द इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। इसको जो निर्देश मिलता है उस प्रकार से यह कंप्यूटर वर्क करता है। इट मस्ट बी प्रोग्राम्ड डैट इज द इंस्ट्रक्शन नीड टू बी रिटेन इन ए प्रोग्राम लैंग्वेज। इसको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है रिटेन के माध्यम से, रिटेन इन प्रोग्राम लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड विथआउट ए प्रोग्राम ए कंप्यूटर इज यूजलेस। देर आर टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है डिजाइंड टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। जब अधिकांश लोग कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में इंटरनेट पर
सर्फिंग करने, डॉक्यूमेंट लिखने, दोस्तों को ईमेल भेजने, ऑनलाइन चैटिंग करने, प्रेजेंटेशन बनाने और बहुत सारे अन्य उपयोगी एप्लीकेशन का विचार आता है। हम सामान्य तौर पर एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सोचते हैं। कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई है। इसमें अधिकांश लोगों का मानना है कि बहुत अच्छे होते हैं तब तक कि काम कर रहे हैं। हम आमतौर पर अधिक साधारण और पृष्ठभूमि में काम करने वाली कंप्यूटर गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रोग्राम को लोड और रन करना, संसाधनों को आपस में बांटने वाले नेटवर्क के बीच तालमेल स्थापित करना, फाइलों को व्यवस्थित करना, हमारे कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखना, समस्याओं से बचने के लिए नियमित रूप से रखरखाव रखना और हार्डवेयर उपकरणों को नियंत्रित करना ताकि वे एक दूसरे से संचार कर सके। सामान्य तौर पर ये गतिविधियां हमारी सहायता के बगैर पृष्ठभूमि में चलती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब तक सारे काम सही तरीके से हो रहे हो तब तक इसे ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन अगर नई एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉम्पिटिबल ना हो, हमारे वर्तमान कंप्यूटर सिस्टम पर रन ही ना हो, तो क्या होगा अगर कंप्यूटर वायरस आ जाए? क्या होगा अगर हमारी हार्ड डिस्क खराब हो जाए? क्या होगा यदि हम नया डिजिटल वीडियो कैमरा खरीदे और उसमें कंप्यूटर सिस्टम में फ़ोटो को स्टोर और एडिट न कर पाए? क्या होगा यदि हमारे कंप्यूटर की गति धीमी होती जा रही हो? ये समस्याएं साधारण दिख सकती है, लेकिन ये गंभीर समस्याएं हैं। इन अध्याय में पृष्ठभूमि में चलने वाली इन अहम गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन गतिविधियों के बारे में थोड़ी जानकारी होने से आपकी कंप्यूटिंग ज़िंदगी थोड़ी और आसान हो सकती है। कंप्यूटर का कारगर और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली को समझना होगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर्स शामिल होते हैं। यूटिलिटीज समस्याओं को ठीक करने और समस्याओं से बचने के उपकरण प्रदान करके कंप्यूटिंग को आसान बनाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अंतिम प्रयोक्ता खास काम पूरे करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेटर लिखने, डॉक्यूमेंट बनाने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। हालांकि अंतिम प्रयोक्ता भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अंतिम प्रयोक्ता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करते हैं ताकि अधिकांश तकनीकी विवरणों को नियंत्रित किया जाए। उदाहरण के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रित करते हैं कि मेमोरी में वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहाँ स्थित है, कमांड को किस तरह बदला जाता है ताकि सिस्टम यूनिट उन पर कार्रवाई कर सके, और पूरे हो चुके डॉक्यूमेंट या फाइलों कहाँ सहजे रखे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक एकल प्रोग्राम नहीं है, इसके स्थान पर यह प्रोग्राम्स का एक संग्रह या एक सिस्टम है, जिससे प्रयोक्ता के बहुत कम या बिल्कुल भी हस्तक्षेप के बिना सैकड़ों तकनीकी विवरणों को नियंत्रित किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में चार तरह के प्रोग्राम शामिल होते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर संसाधनों में तालमेल स्थापित किया जाता है।
जिससे प्रयोक्ताओं और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराया जाता है और एप्लीकेशन को रन किया जाता है। दूसरा है यूटिलिटी। यूटिलिटी से कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रित करने में संबंधित विशेष कार्य पूरे किया जाता है। तीसरा है डिवाइस ड्राइवर्स। ऐसे विशेष प्रोग्राम होते हैं जिनसे किसी खास इनपुट या आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति मिलती है। अगला है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। से प्रोग्राम्स द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग निर्देशों को कंप्यूटर को समझ आने वाली और उसके द्वारा कराई करने योग्य भाषा में बदला जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अंतिम प्रयोक्ताओं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करता है ताकि तकनीकी विवरणों को संभाला जा सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा तकनीकी विवरणों को संभाला जाता है। आप देख रहे हैं पिक्चर सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टैबलेट स्मार्टफोन डेस्कटॉप। कुछ इंग्लिश में भी जान लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर designed to operate the computer hardware and to provide and maintain a platform for running application software. The most basic types of system software are नीचे दिए गए हैं। जैसे द कंप्यूटर BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड डिवाइस फर्मवेयर विच प्रोवाइड बेसिस functionality to operate and control the hardware connected to or built into the computer. The operating system prominent examples being Microsoft Windows, Mac OS X, OS X and Linux, which allows the parts of a computer to work together by performing tasks like transferring data between memory and disk or rendering output onto a display device. It also provides a platform to run high-level system software and application software. Utility software which helps to analyze, configure, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। तो ये डिटेल जानकारी था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए फिर से कुछ रिवाइज करवा देते हैं और वीडियो को आज का वीडियो कुछ देर में समाप्त होने वाला है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम जिसमें चरण दर चरण निर्देश शामिल होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि अपना काम कैसे करना है। एक प्रोग्राम या कई प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर का उद्देश्य डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है। एग्जांपल, एक पेरोल प्रोग्राम कंप्यूटर को उन घंटों की संख्या को लेने के लिए निर्देश देता है जितने घंटे आपने एक सप्ताह डेटा में काम किया हुआ है, और यह निर्धारित करने के लिए उनके साथ आपके वेतन की दर यानी डेटा का गुना करने के लिए निर्देश देता है कि आपको इस सप्ताह के लिए कितना भुगतान किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता मुख्य रूप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ सूचना का आदान प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर से परिचित कराता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इकलौता प्रोग्राम नहीं होता है बल्कि यह बहुत सारे प्रोग्रामों का एक संग्रह होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है और इनके प्रकार। इनके दो प्रकार होते हैं,
सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज की वीडियो में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारी वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। इन सबों को सीखकर आप आईटी जैसे फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी में कैरियर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक निर्णय, अपने जीवन के काम या कैरियर के बारे में फैसला लेना होता है। शायद आप एक राइटर, लेखक या एक आर्टिस्ट या एक कलाकार या एक इंजीनियर होने की योजना बना रहे हैं, या शायद आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी में एक पेशेवर बनना चाहते हैं। तो इन सबको सीखकर आप आईटी में कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स आपका समय। सुबह हो, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में।